हाँ, अभी 4 ही मुकाबले तो हारी है। 2015 का आईपीएल नहीं देखा था क्या, जहां पर मुंबई इंडियंस 4 मुकाबले हार गई थी, उसके बाद भी ट्रॉफी अपने नाम की थी। अरे हाँ हाँ भाई, 5 मुकाबले ही तो हारी है। तो 2014 का आईपीएल सीजन याद नहीं आता, जहां पर मुंबई ने लगातार 5 मुकाबले हारी थी, उसके बाद भी प्लेऑफ में क्वालिफाई की थी। क्या मतलब 6ठा मुकाबला भी हार गई। हेलो, हाँ अंबानी जी, मैं ये कह रहा था कि अंपायर्स को भी बात हो रही है, नहीं हो रही है? मुंबई ने इतने मुकाबले क्यों हारी है? थोड़े जीत का इंतजाम करो। क्या मतलब आप नहीं कर सकते? क्या मतलब आईपीएल में ऐसा थोड़ा ना होता है? ये मेरे पड़ोस वाला चिंटू तो बोला था कि आप ऐसा ही करके हर बार मुंबई इंडियन को कप जिता देते हो। सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टॉक शो टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड। मुंबई इंडियन और लखनऊ सुपर जायंट के बीच ये महामुकाबला, जहां पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक और हार थमा दी है मुंबई इंडियन को। मुंबई इंडियन के लिए होगी 6ठी हार, और दोस्तों मुंबई इंडियन का अब रास्ता हो गया है और ज़्यादा कठिन, जहाँ पर दोस्तों अब उनको क्वालिफाई करने के लिए बचे हुए सारे ही मुकाबले जीतने होंगे, और जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है। दोस्तों दोनों ही टीमों की बात करें चेंजेस की, दोस्तों मुंबई इंडियन ने एक बदलाव किया, वहीं दोस्तों बात करें हम लखनऊ सुपर जायंट्स की, दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी एक बदलाव किया। दोनों ही टीमों के बदलाव थे। मुंबई इंडियन की बात करें, बेसल थम्पी को बाहर बिठाकर यहां पर खिलाफ एबिन एलन को, जो कि एकदम परफेक्ट चॉइस थी, हमने एक वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी। और दूसरी जो लखनऊ की बात करें, तो यहां पर दोस्तों कृष्णप्पा गौतम को एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ, कृष्णप्पा गौतम को बाहर बिठाकर यहां पर मनीष पांडे को खिलाया गया, जबकि कृष्णप्पा गौतम ने पिछले 2 मुकाबलों में कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था। ऐसे में दोस्तों कृष्णप्पा गौतम को बाहर बिठाना क्या ये सही फैसला था? इस बात को दोस्तों जज करना मैच से पहले काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन मैच को ख़त्म होते होते हमें पता चला कि हाँ, मनीष पांडे ने जो रन बनाए वो महत्वपूर्ण रन थे, क्योंकि दोस्तों अगर वो रन नहीं बनते तो शायद केएल राहुल पर और ज़्यादा दबाव बनता, और फिर कमाल लाजवाब राहुल का जो शतक है वो हमें सुनाई नहीं देता। उन्होंने साफ साफ अपने हिटर्स को यह जवाब दे दिया कि आप शोर मचाते रहिए, मैं अपना खेल जानता हूँ, कैसे मुझे खेलना और कैसे मैं खेलता रहूँ। सो गाइस, यहां पर एक बहुत बड़ी सीख केएल राहुल ने हम सबको दे दी। बात करें अन्य बल्लेबाजों की, दोस्तों अन्य बल्लेबाज भी अपना छोटा छोटा कैमियो खेलते गए, और केएल राहुल के शतक के बदौलत यह टीम पहुंचती है 199 के स्कोर पर। दोस्तों रोहित शर्मा एंड कंपनी को चाहिए थे 20 ओवर में 200 रन, यानी कि 10 का पहाड़ा पड़ना था, लेकिन दोस्तों क्या ऐसा होना मुमकिन था? दोस्तों बात करें एमआई की बॉलिंग की, दोस्तों यहां पर तिलक वर्मा से ओवर कराया गया, इंटरेस्टिंग बात थी, यहां पर ड्वेट ब्रेवस को ओवर नहीं दिया गया। वहीं दोस्तों फैबियन एलन 4 ओवर में 46 रन खाए, जहां पर एक सफलता उनके नाम थी क्विंटन डी कॉक की, वो एक अच्छी जो कह सकते हैं आप विकेट थी, लेकिन दोस्तों 4 ओवर में 46 रन खाना एक अनएक्सपेक्टेड चीज है अगर आप ओवरसीज गेंदबाज खेल रहे हो आईपीएल में। तो वहीं दोस्तों बात करें टाइमन मिल्स की, इन्होंने दोस्तों फैबियन एलन को भी पीछे नहीं छोड़ा, पैट कमिंस को भी पीछे नहीं छोड़ा, दोस्तों 3 ओवर में ही 54 रन खा लिए, यानी कि 18 गेंदों में अगर इन्होंने सामने वाली टीम को 54 रन से ज्यादा रन दिए तो फिर दोस्तों बाकी बॉलर्स क्या करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 ओवर में मतलब 54 रन, क्या बात होती है भाई साहब यहाँ पर। लेकिन बुमराह के खाते में 4 ओवर में थे मात्र 24 रन। जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल बुमराह फिर से साबित हुए। वहीं दोस्तों मुर्गन अश्विन भी आज अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर एक सफलता हासिल की। वहीं दोस्तों बात करें जयदेव उनाडकट की, दोस्तों जयदेव उनाडकट जो है 2 ओवर में फिनॉमिनल काम उन्होंने करके दिखाया, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने 4 ओवर में दिए सिर्फ 32 रन और छटका तो महत्वपूर्ण विकेट हैं। काम यहां पर पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफी ज्यादा रन दे दिए थे फैबियन एलन और टाइमन मिल्स के मिलाकर। वहीं दोस्तों अब बैटिंग करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। दोस्तों सैट दिख रहे ईशान किशन को पवेलियन भेजा यहाँ पर स्टोनिक्स ने कमाल की गेंद पर। वहीं दोस्तों शर्मा जी का लड़का इस मैच में हमें फ्लॉप नजर आया, जहाँ पर दोस्तों शर्मा जी के लड़के को आवेश खान ने पहली फुर्सत में घर भेज दिया। वहीं दोस्तों बात करें हम ड्वेट ब्रेवस से, दोस्तों ब्रेविस जो है कमाल के 360 प्लेयर हैं, एबी डिविलियर्स इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, एबीवीबी इनको कहा जाता है और ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन्होंने खेली 13 गेंदें, रन बनाए 31, कमाल के शॉट इन्होंने चारों तरफ लगाए। वहीं दोस्तों इनकी विकेट भी आवेश खान ने फिर छिटकाई।
फिर बल्लेबाजी करने आते हैं सूर्य कुमार, उनके साथ होता है तिलक वर्मा। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियन की होप बनती है कि काश अब शायद कुछ चमत्कार होगा और ये खिलाड़ी हमें जिताएंगे हमारा पहला मैच, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। सूर्य कुमार शिकार बनते हैं रवि बिश्नोई का, वहीं दोस्तों तिलक वर्मा भी होल्डर के शिकार बन जाते हैं। वहीं दोस्तों अब बैटिंग करने आते हैं फैबियन एलन। अब दोस्तों गेंद के साथ तो कुछ करामात नहीं दिखा पाए, लेकिन क्या बल्ले के साथ ये कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाई इन्होंने? तो दोस्तों जी नहीं, आवेश खान का शिकार बनते हैं और सिर्फ बनाते हैं 7 गेंदों में 8 रन। यानी कि अगर आप ओवरसीज बल्लेबाज हो या फिर ओवरसीज आप गेंदबाज हो या फिर ऑलराउंडर क्यों ना हो, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग इस वैलेबियर की प्रीमियर लीग में आपको खेलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो गाइस यहां पर फैबियन एलन अब पुख्ता कर चुके हैं कि आने वाले सीजन में भी ये नहीं बिकने वाले और यहां से आपका आखिरी अपना सीजन खेल के जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों फिर आते हैं कैरन पोलार्ड, जिनका दोस्तों यह सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। दोस्तों लास्ट में चाहिए थे 12 गेंदों में 43 रन, लेकिन दोस्तों जयदेव उनाडकट ने एक उम्मीद जरूर जगाई थी, जहां पर दोस्तों ये जयदेव उनाडकट ने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए। अब दोस्तों आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं 26 रन और स्ट्राइक पर होते हैं कैरन पोलार्ड। क्या लगता है आपको, बन जाने चाहिए थे? बिल्कुल बन जाने चाहिए थे, क्योंकि सामने थी कैरेबियन पावर। दोस्तों कैरेबियन पावर इस मुकाबले में काम नहीं आई और पोलार्ड के लिए कह सकते हैं इस अभी तक टूर्नामेंट में ही काम नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों पोलार्ड तो आए लेकिन सिर्फ उनकी परछाई आई, ओरिजिनल पोलार्ड तो अभी यहां पर आए नहीं है। दोस्तों पोलार्ड के सामने थे 6 गेंदें और बनाने थे 26 रन और पोलार्ड यह काम करने में विफल हो जाते हैं और मुंबई इंडियन को लगती है उनकी 6th हार। वहीं दोस्तों बात करें जेसन होल्डर को, 4 ओवर में 34 रन देके एक सफलता हासिल हुई। वहीं दोस्तों दुश्मनता चमीरा इस मैच में महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 48 रन दिए, एक सफलता उनको भी हासिल हुई। आवेश खान ने फिनोमिनल गेंदबाजी की, 4 ओवर में दिए सिर्फ 30 रन और चटकाएं 3 महत्वपूर्ण विकेटें। वहीं रवि बिश्नोई को भी 4 ओवर में 34 रन देके एक सफलता मिली। बात करें मार्कस स्टोइनिस की, मार्कस स्टोइनिस ने डाले 2 ओवर 13 रन दिए, एक सफलता उनको भी हाथ लगे। वहीं दोस्तों कुणाल पांडे ने भी 2 ओवर डाले, ये दोस्तों 16, उनके हाथ में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। अब दोस्तों बात होती है कि क्या मुंबई इंडियन यहाँ से आगे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन जीतने होंगे 8 में से 8 मुकाबले, जो कि जो है आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन मुश्किल टास्क काफ़ी ज़्यादा है। डिफ़िकल्ट काफ़ी है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, और मुंबई जैसी टीमों के लिए तो खैर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो गाइस आप बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि क्या होने वाला है मुंबई इंडियंस का भविष्य, क्या आगे जाने वाले हैं या फिर मुंबई इंडियंस का सफ़र इस टूर्नामेंट में अब खत्म होता हुआ दिखता है। सो अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था आज की छोटी सी वीडियो में, अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।